नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस लीक होने की घटना सामने आई है। सोमवार देर रात एक दवा कंपनी में गैस लीक होने के बाद दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल हालात काबू में है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उदय कुमार ने कहा, अब स्थिति नियंत्रण में है। जिन दो लोगों की मौत हुई है वो इसी कंपनी में काम करते थे और घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गैस परवदा के जवाहरलाल नेहरू फार्मासिटी स्थित सेना लाइफ साइंस फार्मा कंपनी से लीक हुई है। लीक हुई गैस बेंजीमिडाजोल बताई जा रही है, जो जहरीली होती है। गैस के रिसाव होने की खबर मिलते ही फार्मा कंपनी की इकाई को बंद कर दिया गया था। जिस समय गैस लीक हादसा हुआ उस समय फार्मा कंपनी में 30 लोग काम कर रहे थे। अचानक 6 कर्मचारियों को चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर पड़े। सभी बेहोश कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। 4 का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों की पहचान नरेंद्र और गौरी शंकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती 4 वर्करों की हालत गंभीर है। गैस लीक कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल शुरुआती जांच में तकनीकी कारण से गैस लीक होना बताया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना के बारे में जानकारी मांगी है। बता दें कि करीब 2 महीने पहले भी विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट में गैस की लीक होने की घटना सामने आई थी। गैस का रिसाव होने की वजह से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। केमिकल प्लांट से जहरीली स्टायरीन गैस लीक हुई थी। आपको बता दें कि बेंजीमिडाजोल उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी स्टायरीन जानलेवा होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।